कुंभ में स्नान मात्र से जल सुलभ हो जाता है। इतना यह दिव्य भव्य उत्सव हम लोग के सौभाग्य से हमारे सामने चल रहा है। कोरोना के संकट के कारण बहुत से भक्त हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाए, फिर भी इस दूरदर्शन को धन्यवाद है, इस व्यवस्था को धन्यवाद है जिसके माध्यम से आप साक्षात इस अलौकिक पर्व का, अलौकिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लौकिक हो करके भी अलौकिक फल देने वाला है, इसकी फल की दिव्यता भव्यता अनिर्वचनीय है, इसलिए इस अलौकिक फल का दर्शन करें। अभी आपके सामने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज दिख रहे हैं। अभी संकल्प करके स्नान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। स्नान का एक सामान्य नियम है कि पहले संकल्प लिया जाता है, संकल्प मूलः क्रिया सर्वः। फिर देखें आप कैसे स्नान कर रहे हैं, नाक कान को बंद करके आदित्याभिमुख होकर के स्नान के लिए दो सिद्धांत है, प्रवाहाभिमुख, जिस धर से प्रवाह आ रहा है उधर मुख करके आप स्नान करें, या भगवान आदित्य को सूर्य को साक्षी मान करके उनके तरफ मुख करके स्नान करें। आप देख रहे हैं आदित्य को साक्षी मान करके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज ने स्नान किया। अभी भगवती की पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। दूसरे शाही स्नान के दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर इस समय डुबकी लगा रहे हैं। उत्साह है, उमंग है, विश्वास है, भरोसा है, आस्था है, क्योंकि ये कुंभ महापर्व है। कुंभ मेले का अपना एक अर्थशास्त्र भी है। इतिहास के पन्ने पलटें तो इस बात का एहसास होता है कि अर्थव्यवस्थाओं के सफल संचालन में उत्सवों, मेलों और तीर्थाटनों का खास योगदान रहा है। दूसरे शाही स्नान के दौरान जूना अखाड़ा इस समय ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा रहे हैं। उसके साधु संत सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर, जब कोई गृहस्थ पवित्र नदी में डुबकी लगाता है तो खुद की, परिवार की कुशलता की कामना करता है, लेकिन संसार को त्यागने वाले ये साधु सन्यासी जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए डुबकी लगाते हैं, देश की प्रगति के लिए डुबकी लगाते हैं, विश्व शांति के लिए डुबकी लगाते हैं। और कुंभ का एक पक्ष ये भी है कि यहाँ जो भी अखाड़े आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, लंबी अवधि तक उनके बीच विचार विमर्श होता है और उसका मूल यही होता है कि समाज में शांति व्यवस्था कैसे कायम की जा सके, समाज के दुर्गुणों को किस तरह मिटाया जा सके, किस तरह मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके, और इन तमाम चीज़ों को जो अखाड़े होते हैं उनमें धार्मिक संवाद होता है, अखाड़े से जुड़े जो नए लोग होते हैं उनको इतिहास के बारे में बताया जाता है, भारत की सनातन संस्कृति के बारे में बताया जाता है।